हेलो जी एवरीवन, अभी लेकर आ जाते हैं राशन और गैस सिलेंडर, जरूरी सामान, नहीं तो रात को चूल्हा नहीं जलेगा। उसके बाद मैंने बहुत सारा सामान इस घर में छुपा रखा है, उसको ओपन करके आज बहुत खास वीडियो बनाने वाले हैं। इतना सामान कि घर में भी रसोई में भी नहीं समाएगा, तो वापस आके पहले लेकर आते हैं जो जरूरी सामान है, वो आटा, गैस सिलेंडर, नमक, मिर्ची, ये सब जी। तो करते हैं घर का थोड़ा मेकओवर, खास करके रसोई का, और सारा सामान थोड़ा सेट करके आपको आज दिखाते हैं कि 4.5 महीने हुए हमें यहाँ आए हुए। लगभग 1 महीना तो हमने सामान दूसरों के सामान से चला लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा था। तो अभी जो मेकओवर करेंगे उसका ज़्यादा आपको वीडियो वगैरह नहीं बताएंगे, सीधा आपको सामान ही बता देते हैं कि क्या क्या है। फिर जो है पूरा घर में पूरा जो नख सिख वो कहते हैं ना, एक एक चीज से लेकर सारी की सारी आपको दिखाते हैं। लेकिन देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, में शेयर करने के साथ ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने और दिव्या ने खास करके रसोई का और बाकी घर का भी काफ़ी मेकओवर किया, जिसमें आप यहाँ से शुरू करते हैं। कटोरियाँ हैं और बाउल्स हैं अलग अलग साइज़ के, और इसके अलावा यहाँ पर ये चाय पीने की कटोरियाँ हैं, क्योंकि हमारे जो गांव से कोई मेहमान आ जाता है तो कटोरियाँ में ही पीते हैं। बाकी ये बड़ी बड़ी तासलियाँ, इस तरह की तासली भी 2-3 है, आधी में एक दो जो है फ्रेंड्स को दे रखी। ये है नाश्ते की प्लेट्स, सुबह सुबह बच्चे पोहे वगैरह कुछ नाश्ता करे थे, इस तरह की प्लेट्स में कर लेते हैं। बाकी ये हमारे तीनों की वाटर बोतल, और ये हो गई घी की गिलोड़ी, और चाय की इन कटोरियों के पीछे यहाँ है दो लोटे, लोटे हमारे पास दो ही हैं, और अगर कोई मेहमान आए तो काफ़ी है, वरना गिलास में भी पानी पीते हैं। और फिर अब हम इस रसोई वाले खाना बनाते हैं, इस कोने से शुरू करते हैं। तो गैस सिलेंडर, और ये आटा रखने का कंटेनर, और ये छोटा सा हमारे पास चूल्हा, और ये हो गया तवा और चिमटा, और इसके साथ संडासी। ठीक है, ये हो गया इम्पोर्टेंट सामान जो कि पहली बार रोटी बनाते तो भी ज़रूरत होती है। फिर यहाँ से लेते हैं कैंपर से, तो कैंपर के साथ साथ एक मटकी भी है जो अभी यूज़ नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पड़ी है, पुरानी जैसी दिख रही है, क्योंकि कैंपर में पानी ठंडा रह जाता है। और इतनी ग्लासेज हमारे पास हैं, 12 से 15 मेहमान आएंगे तो एक ही साइज़ की गिलास में हम कुछ भी दे सकते हैं, जूस या पानी। वहाँ पर दिक्कत ये थी, उस घर में गिलासें तो थी लेकिन सारी अलग अलग डिज़ाइन की और अलग अलग साइज़ की, अगर कोई मेहमान आ जाता तो किसी को जूस भी नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पर एक है ये चम्मच वाला स्टैंड, मतलब मैंने ऐसे इनको स्टैंड बना रखा है, कोई प्लास्टिक की गिलास, कोई डब्बा, इस तरह। तो ये हो गया एक चम्मच का, एक कांटे का, एक कटलरी का, तो ये स्टैंड बना रखा ताकि पूरे बिखरे हुए नहीं रहे। और थालियों की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी साइज़ की थाली है, मतलब कि इन थालियों को देख के ऐसा लगता है कि 3-4-5-7 मेहमान होना तब तक तो जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, थालियों में ही खाना खा सकते हैं। बड़ी से लेकर छोटी से छोटी साइज़ भी है, इसमें कभी कभी दिव्या खाती है रोटी चूर के, और बाकी खांचे वाली हैं। कभी कभार क्या होता है कि अगर ज़्यादा बर्तन गंदे करने की नहीं जच रही है तो हम इस खांचे वाली में बच्चों को अलग अलग चीज़ खाने की डाल के दे देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ मैंने वीडियो बोल कर बनाया था लेकिन म्यूट करना पड़ा क्योंकि मोटर चल रही थी। तो देखिए दोस्तों, नीयत साफ़ हो और मन अच्छा हो तो जितना भी होता है अच्छा ही लगता है, और भगवान देता जाता है। बाकी तो लूट कर भले किसी से घर भर लें तो भी उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो जितना है अच्छा है। इसमें से एक भी चीज़ ना तो कहीं से मांगी हुई है और ना ही कहीं से चोरी की हुई है, जो भी है पूरा का पूरा मेरा है। हाँ, गरिमा राजस्थानी ने जो गिफ्ट भेजा, इस तरह कोई चीज़ आई हुई है तो फिर वो भी मैं फ्री में नहीं रखती हूँ, मैं अपना एहसान पूरा चुकाती हूँ। अब आपको यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे पास इस तरह के 3 चमचे हैं जिसमें 2 चम्मच है और एक झारा भी है, और ये मसाला दाने का यहाँ पर थोड़ा खांचा है जिसमें कुछ मसाले ऐसे रखे हुए हैं, और ये मसाले वाले डब्बे इस तरह रख दिए, और यहाँ कुछ ये कटर है इस तरह का, ये छोटा मोटा सामान का एक खांचा है, और यहाँ इतना सामान अभी मैं खुला ही रख रही हूँ क्योंकि कंटेनर थोड़े कम हैं, तो वो जो पैकेट्स है ये खुले रख रही हूँ। और ये थोड़ा पूजा का सामान है, लोटा, घंटी जो बजाते हैं, और एक वो जो है दिया था। ये हमारे पास एक हैंड ग्राइंडर भी है, तो ये छोटा सा काम होता है तो इससे काम में ले लेते हैं, और ज़्यादा जूस वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। तो एक बार आप अंदर से रसोई देख लीजिएगा, इस तरह कुछ भगोने हैं इस साइड में, फ्रिज में भी होगा एक दो, और एक वो जग है। इसके अलावा ये स्टील का जग है, कांच का जग भी हमारे पास है, और ये वो ढक्कन वाली प्लेट्स हैं,
ये इस तरह का एक ढक्कन आता है, और बाकी चाय की भगोनी और चकला बेलन जो नॉर्मली हम यूज़ लेते हैं ये वाला सामान। तो इधर आपको बता दें कि ये दूर से कुछ इस तरह दिखता है। अब कढ़ाई की बात करें तो हमारे पास एक नहीं चार चार पांच पांच कढ़ाई है। अगर एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाना होगा तो भी है, स्टील की कढ़ाई में बनाना होगा तो भी है। ये वाला स्टेनलेस स्टील वाला पेन है जिसमें हम रोज़ सब्जी बनाते हैं। और अब नॉन स्टिक की ये दो आइटम और है जिसमें एक फ्राई पैन है और एक वाला ये कढ़ाई है जो ऐसा कैसा बिल्कुल रेड कलर में मैंने वहाँ पर भी खरीदा था लेकिन अब हमारे पास है। प्लास्टिक के बर्तनों में बात करें तो ये देखिए आप, यहाँ पर टब भी है, बाल्टियाँ भी है, बिल्कुल नई है, कोई भी पुरानी या किसी से लाई हुई ऐसे नहीं है, नई है बिल्कुल। वो कुछ प्लास्टिक के आइटम है जो कि ऊपर रखे हुए हैं, इसमें कुछ खुले हुए मसाले वगैरह रख देते हैं या फिर सूखी सब्जी रख। हाँ जी, यहाँ ऊपर कुछ रखा हुआ है, ये है मिक्सी जिसको मैं पहले भूल गई थी, तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं। बिल्कुल ये रही मिक्सी जिसको अभी तक हमने यूज एक बार भी नहीं किया है। तो चलिए अब अभी रसोई हो गई, बाहर से दिखाते हैं जी। तो यहाँ से देखिए, एक तो हमारा है गोलू मोलू बच्चा और एक हमारी ये स्वीट एंड स्लिम एंड पतली सी प्यारी सी बच्ची जो हमेशा काम में लगी रहती है। अब ये जूते जमा रही है इधर और अपने बैग जमा रही है। चलो दिखाती हूँ आपको। तो हमारे घर में है एक कुर्सी और एक बैठने का ये, और बेड दो नहीं बल्कि तीन है, आपको दिखाता हूँ। ये तीन बेड है और इतने बिस्तर भी है, कुछ बिस्तर बाहर है, कुछ नहीं है, एक दो बिस्तर बाहर है। बाकी थैलों की बात करें तो एक ये थैला मेरे पास है, ऐसा एक थैला मम्मी के पास है, मम्मी ने कहाँ रखा पता नहीं। दो बच्चों के स्कूल बैग है और मेरे पास भी छोटे मोटे दो थैले, आपको बता दूं। ये देखिए, एक तो मेरा ऐसा वाला जोड़ा है और ये एक ऐसा थैला है। बाकी इस कमरे में कुछ खास नहीं है, इस इधर बच्चों के कोई एक्स्ट्रा कॉपी बुक्स हैं और इधर ये थोड़ा बहुत है जो आपको दिख रहा है, और ये सामने मैं दिख रही हूँ, कहाँ गई। अब चलते हैं इधर जिसमें हमारे पास कूलर भी है गर्मियों के लिए, और हमारे पास फ्रीज भी है। फ्रीज के ऊपर कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ जो एनी टाइम काम में आता रहता है, और कुछ तो ऐसे ही रख दिया कि ये रखने से पेपर वगैरह उड़ेगा नहीं बाहर के लिए। तो ये हमारा फ्रीज है और ये हमारे बच्चे हैं जिसको हम, फ्रिज भी जो है पहले की तरह ऐसा नहीं है कि खाली ही खाली रहता था, ऐसा नहीं है। जितना सामान हम रखते हैं हमें पता होता है पीछे अब उतना का उतना पड़ा है, हम खाएंगे तो ख़त्म होगा वरना नहीं होगा। और इसके बाद हमारे पास ये मशीन तो वैसे हमारी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास एक मशीन है, और ये ऐसे नहीं लपेटनी चाहिए, मम्मी ने लपेट दी। हमारे पास अच्छी खासी प्रेस भी है इस तरह की, और एक कैंची भी है, दो कैंची, एक दिव्या के लिए है। बाकी आपको बता दें इधर कपड़े, दिव्या करो। तो यहाँ पर हमारे कुछ कपड़े, वैसे अलग अलग अलमारियाँ तो हमारे नहीं है लेकिन अलग अलग सेल्फ में, इसमें बच्चों के रहते हैं, इसमें मेरे रहते हैं, इसके मम्मी, इसमें मम्मी के रहते हैं, और यहाँ पर हमारे कुछ एक्स्ट्रा सामान, और वहाँ पर कुछ नए कपड़े हैं वो हमने ऊपर रख रखे हैं, और यहाँ पर हमने जो रखे हैं ना वो नए जूते हैं, यहाँ दिव्या के हैं, यहाँ दिव्या, ये दिव्या के हैं, ये तेजू के हैं, एक मेरे हैं। तो नए वाले जूते हमने यहाँ रख रखे हैं, और बाकी कुछ हमने चूड़ियाँ वगैरह वो हमने यहाँ रखी है, आप देख सकते हैं।
कुछ ये कपड़े जो सिलाई के हैं वो यहाँ रखे हैं, तो ये चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पर हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि हमारे पास कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन जितनी भी है हम इसमें हैप्पी है और हमारे पास ये सफिशियंट है। हाँ ठीक है, हमारे पास हर किसी के पास एक एक टॉवल नहीं है, लेकिन हमारे पास दो टॉवल है, हम इससे काम चला लेते हैं। बाकी तो जो है मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेरे दो प्यारे प्यारे गुलगुले से बच्चे, इसके अलावा अपने खून के रिश्ते जितने भी हम बचा कर रख पाते हैं वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो मेरी मम्मी मेरे साथ है, पापा मेरे साथ हैं, भाई और भाभियाँ साथ में हैं और ये दो बच्चे साथ में हैं, तो इतनी प्रॉपर्टी तो मेरे पास है ही और इन बच्चों के पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। ये बोल रहे थे आज दिन में बातें करते करते खेलते खेलते, क्या प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास? आप, मैं और कौन है? नानी, नानी और दादा दादी, दादा दादी। हाँ। तो इनके पास भी इतनी है और जो मेरे भाई भुजाई आए वो भी इनके ही है, तो मतलब प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव, परेशानियां, गम दुख, बहुत चीजें आती रहती है, बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, भले कितनी बड़ी परेशानी आ जाए उन सब से बचकर अगर आप कुछ रिश्ते बचा पाते हो ना, तो फिर वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बचा ली अपने। बाकी मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेरा खाना मेरा खेलना, मेरा खाना मेरा खेलना, ये इसकी सेकंड प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर यही ना होगा तो मैं दिन में कैसे होगा। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेरी मम्मा और पढ़ाई, पढ़ाई, और अगर मम्मा पढ़ाई नहीं होते तो फिर खाना ही हमें दिन ना रख पता, और खाना ही होता तो फिर क्या होता, अगर मम्मा ना होती तो हम होते ही नहीं। और मम्मा को भी हमें पैदा करने के लिए खाने की जरूरत होती है, और खाना ही नहीं होता तो मम्मा हमें पैदा कैसे कर पाती। तो कैसे भी मिला के इसके लिए पहली प्रायोरिटी खाना है, और इसने साबित भी कर दिया। दीदी कह रही देखा मम्मा नहीं होती तो खाना कैसे मिलता, तो ये कह रहा है कि अगर खाना ही नहीं होता तो मम्मा हमें पैदा कैसे करती। मैं ये कह रही हूँ अगर मम्मा ही नहीं होती तो फिर हम कैसे होते, जो भी हो दोनों ही राइट है। तेजस का जो लॉजिक है वो भी सही है, ये भी कह रहा है कि मम्मा खाना नहीं खाती तो हमें कैसे पैदा करती। तो हमने बता दिया, बाकी कोई छोटी मोटी चीज़ रही हो तो आप ज़रूर बताना। बाकी बच्चों के स्कूल जूते हैं बाहर, हमारे डेली पहनने के जूते हैं, और कुछ कपड़े बाहर सूख रहे हैं, और एकदम हैंडी और लाइट और इजीली के कर सके इतना सामान हमारे पास है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए कचरा होगा, इतना हम संभाल ही नहीं पाएंगे। तो अब पंखा चालू करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।